हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में गाइस मैं आपके लिए बहुत अच्छा लेके आया हूँ एक और लैपटॉप का रिव्यू। गाइस एसस ने अभी लॉन्च किए थे, अभी लॉन्च किया है, एक दिन ही हुआ है, कल ही लॉन्च किया था। उसके चार मॉडल लॉन्च किए, वो भी गाइस RTX 3070 3080 मैक्स की, वो 8 GB ग्राफिक्स कार्ड के साथ, जो कि बहुत ही अभी लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड है और बहुत पावरफुल है। मैं आपको इस वीडियो में पूरा रिव्यू देने वाला हूँ गाइस, क्या आपको ये बाय करना चाहिए या नहीं, और क्या है इसका रिव्यू और क्या प्राइस होगी इसकी। तो गाइस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो जाके पहले लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो गाइस जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चार लैपटॉप आप देख सकते हैं जो वहाँ पे है। तो गाइस अगर मैं आपको बात बताऊं तो सबसे पहला एसस रॉक्स हमारा जो आता है, वो आता है एसस रॉक्स ट्रिक्स केयर, जो कि हमें दे देता है। तो गाइज़ अगर हम देखें तो एसस स्ट्रिक्स जो स्कैर 15 है, 2021 का मॉडल, ये अभी अनअवेलेबल बता रहा है, लेकिन ये लॉन्च अभी हुआ है, ये आपको जल्द ही अब मिल जाएगा देखने को। तो इसके अंदर 1 TB की SSD, 16 GB की रैम देखने को मिलती है गाइज, जो कि बहुत ही अच्छी है, और RTX 3070 का 8 GB ग्राफिक कार्ड हमें देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात और बढ़िया बात है। और इसका रिफ्रेश रेट देखिए गाइज 300 Hz का है। प्राइस बताता हूँ, वीडियो को अंत तक देखिए गाइज, सारी प्राइस पता चल जाएगी। ये मिलता है 3080 8 GB ग्राफिक कार्ड के साथ, हमारा जी फोर्स RTX का, 16 GB की है इसमें रैम, 1 TB की SSD है, काफ़ी पावरफुल है, और वही 165 Hz का इसके अंदर रिफ्रेश रेट है, उससे कम है। और राइजन 7 मिलता है 5800H, इसके अंदर भी सेम मिलता है गाइस। डिफरेंस यही है कि इसमें 300 Hz की रिफ्रेश रेट है, उसमें 165, और उसमें 3070 का ग्राफिक कार्ड है RTX, इसमें 3080 का ग्राफिक कार्ड है। और अगली बात करते हैं हम तो तीसरा लैपटॉप, इस पर राइजन 7 5800H मिलता है, जी फोर्स RTX 3080 ग्राफिक कार्ड है, ये चीज़ एकदम सेम ही है। और अगली हम लास्ट लैपटॉप की बात करें तो वो भी बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, लेकिन इसके अंदर 32 GB की रैम, 1 TB की SSD और 16 GB ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है। तो गाइस इसकी प्राइस 2,29,990 रखी गई है, इसकी 2 लाख रखी गई है, और इसकी भी 2 लाख रखी गई है, सेम मॉडल है गाइस, और इसकी प्राइस अभी नहीं रखी आई है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसकी प्राइस करीबन करीब 2 लाख के आसपास ही होनी चाहिए, या फिर थोड़ा बहुत 10-15 हज़ार ऊपर या नीचे हो सकता है, बाकी इसकी प्राइस ज़्यादा कम नहीं होने वाली है। तो गाइस अब मैं आपको मेरा रिव्यू देता हूँ कि ये एक परचेज़ करना चाहिए गाइस, अगर आप बहुत ही ज़्यादा गेमिंग के लवर हैं तो आपको ये परचेज़ करना चाहिए, क्योंकि एसस के लैपटॉप गेमिंग के बहुत ही अच्छे होते हैं, और इनके अंदर जो एसस हमें प्रोवाइड कर रहा है, जो हमें जी ग्राफिक कार्ड आ रहा है, वो बहुत ही हाई क्वालिटी पीसी गेमिंग या फिर लैपटॉप गेमिंग, बहुत ही अच्छा हाई क्वालिटी गेमिंग का है गाइस इन चारों के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू मी ये जो चारों लैपटॉप अभी एसस ने लाइनअप किए हैं अभी हाल ही में, तो ये बहुत ही शानदार है। तो गाइज मेरे अकॉर्डिंग अगर आपका बजट इतना हाई है तो ये ज़रूर परचेज़ आपको करने चाहिए। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही यार, और मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करना ज़रूर कीजिए गाइज, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले गाइज मिलती रहे।